राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं। 3 सीटों पर आगामी 27 फरवरी को चुनाव है। नामांकन 15 फरवरी तक भरे जाएंगे। सत्ताईस फरवरी को राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की विधानसभा सीटों के गणित के मुताबिक भाजपा को 3 में से 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय है, लेकिन भाजपा तीनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर मतदान करने की स्थिति बना सकती है। इधर चुनाव को लेकर दोनों दलों में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। एक तरफ बीजेपी में राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर जैसे नेताओं के नामों की चर्चा तेज है। कि मैंने पहले भी कहा, मैं पराजित व्यक्ति हूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जिस भूमिका में रखेगी उस भूमिका में रहूंगा, मेरी कोई अभिलाषा नहीं। वहीं कांग्रेस गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान से राज्यसभा भेज सकती है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सोनिया गांधी के नाम की है, जो रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ती रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि दिल्ली से आने वाले नेताओं की सूची लंबी है और नाम आलाकमान के द्वारा ही तय किए जाएंगे। बीजेपी में भी अभी अंतर विरोध बहुत है। बीजेपी के लिए भी 2 सीट निकालना हंसी खेल नहीं है, चैलेंज है बहुत बड़ा। और हमारे यहाँ जैसा दिख रहा है उसमें 1 सीट हमें मिलेगी और 2 सीट बीजेपी निकाल पाए नहीं निकाल पाए इस पर थोड़ा संशय है। और जहाँ तक सोनिया गांधी जी का सवाल है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि सोनिया गांधी जी राजस्थान को रिप्रेजेंट करें, CLP भी उनके साथ में है। उसके बाद मीटिंग होगी, फिर तय किया जाएगा कि कैसे करना है और कौन कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट AICC नेतृत्व से होंगे या राजस्थान से होंगे, इस सब बातों पर इसके बाद में चिंतन मनन होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटों में से कांग्रेस के मनमोहन सिंह और भाजपा के भूपेंद्र यादव का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होना है। तीसरी सीट डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की है, जो विधायक बन चुके हैं और मंत्री भी, और इस्तीफा देने से खाली हो गई है। शेष 3 सांसदों का कार्यकाल जून 2026 और 4 का कार्यकाल जुलाई 2028 में पूरा होगा। राजस्थान में कुल 10 राज्यसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया, अलका गुर्जर जैसे कई बड़े नेताओं के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस रायबरेली से लगातार चुनाव लड़ने वाली सोनिया गांधी को राजस्थान से चुनकर राज्यसभा भेज सकती है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।